नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। जेएनयू हिंसा के खिलाफ देश भर के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन जारी है। मुंबई में कई कॉलेजों के छात्रों समेत भारी संख्या में लोग गेटवे ऑफ इंडिया पर जुटे हुए हैं। इसके अलावा कोलकाता की जादवपुर यूनिवर्सिटी, रायपुर, केरल, अगरतला में भी जेएनयू हिंसा के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुआ है। वहीं दिल्ली में भी यूथ कांग्रेस ने रायसीना रोड से लेकर इंडिया गेट तक मशाल रैली निकाली। जेएनयू छात्र संघ की अध्यक्ष आयुषी घोष ने नकाबपोशों के हमले को एक योजनाबद्ध संगठित हमला बताया है। अपने सिर पर पट्टी बांधकर घोष ने सोमवार को मीडिया कर्मियों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि वे लोगों को बारी बारी से बाहर निकाल रहे थे और हमला कर रहे थे। घोष ने कहा कि जेएनयू के सुरक्षाकर्मियों और हमलावरों के बीच एक स्पष्ट साठगांठ दिखी, क्योंकि कोई भी सुरक्षाकर्मी हिंसा को रोकने के लिए हस्तक्षेप नहीं कर रहा था। जेएनयू में हुई हिंसा पर राजनीतिक घमासान जारी है। विपक्षी दल सीधे सरकार पर हमलावर हो गए हैं। सीपीआई नेता सीताराम येचुरी, कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम समेत कई अन्य विपक्षी दलों के नेताओं ने हिंसा के लिए सीधे तौर पर सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। सोनिया गांधी ने कहा है कि जेएनयू में कल हुए हमले बता रहे हैं कि विरोध की आवाज को दबाने के लिए यह सरकार किस हद तक जा सकती है। वहीं महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने इसकी तुलना 26/11 मुंबई आतंकवादी हमले से की है। जेएनयू टीचर एसोसिएशन ने आज जेएनयू में हुई हिंसा पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि उन्होंने पिछले 50 सालों में ऐसी हिंसा विश्वविद्यालय परिसर में कभी नहीं देखी। एसोसिएशन के प्रवक्ता ने कहा कि वो साबरमती टी पॉइंट पर बैठक कर रहे थे, तभी अचानक से गुंडों की भीड़ ने पुलिस की उपस्थिति के बावजूद उन पर हमला कर दिया। इसके साथ ही एसोसिएशन ने इस हिंसा के लिए विश्वविद्यालय प्रशासन को भी जिम्मेदार ठहराया। जेएनयू हिंसा की बीएसपी प्रमुख मायावती और सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने निंदा की है और न्यायिक जांच की मांग की है। इसके अलावा अखिलेश यादव ने कहा है कि ये दिखाता है कि बीजेपी सत्ता के लिए कितना नीचे गिर सकती है। उन्होंने कहा कि बीजेपी समाज का ध्रुवीकरण करने और असंतोष फैलाने के लिए हिंसा और नफरत का इस्तेमाल कर रही है और एबीपी बीजेपी के हथियारबंद गिरोह के रूप में काम कर रही है। जेएनयू में हुई हिंसा पर राजनीतिक घमासान जारी है। विपक्षी दल सीधे सरकार पर हमलावर हो गए हैं। सीपीआई नेता सीताराम येचुरी, कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम समेत कई अन्य विपक्षी दलों के नेताओं ने हिंसा के लिए सीधे तौर पर सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। वहीं सोनिया गांधी ने कहा है कि जेएनयू में कल हुए हमले बता रहे हैं कि विरोध की आवाज को दबाने के लिए यह सरकार किस हद तक जा सकती है। दिल्ली में विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि दिल्ली के लोग मन बना चुके हैं। दिल्ली के लोग इस बार 70 में से 67 का रिकॉर्ड तोड़ना चाहते हैं। दिल्ली चुनाव के लिए जनता और पार्टी तैयार है, उत्सुक है। उन्होंने कहा कि यह चुनाव दिल्ली सरकार के काम पर होगा। भारत के इतिहास में पहली बार लोग काम की तुलना करेंगे। संशोधित नागरिकता कानून और देशव्यापी एनआरसी का विरोध करने के लिए इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की युवा विंग के कार्यकर्ताओं ने 35 किलोमीटर लंबी ब्लैक वॉल बनाकर गृह मंत्री अमित शाह का विरोध करने की योजना बनाई है। बता दें, गृह मंत्री अमित शाह 15 जनवरी को कोझिकोड में नागरिकता कानून के समर्थन में रैली करने वाले हैं। इसका विरोध करने के लिए लगभग 1,00,000 कार्यकर्ता वेस्ट हिल हेलीपैड से लेकर कालीकट इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक काले कपड़े पहनकर एक दीवार बनाकर विरोध करेंगे। जेएनयू में हुई हिंसा पर पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि जेएनयू में हुई हिंसा भारत में बढ़ती असहिष्णुता को दिखाती है। कुरैशी ने कहा कि भारत में अब विश्वविद्यालय परिसरों को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की भीड़ से सामना करना पड़ रहा है और पुलिस उनके साथ साठगांठ में है। उन्होंने कहा कि ये तब होता है जब आप फासीवाद विचारधारा को ताकतवर बना देते हैं। अमेरिका और ईरान के बीच जारी तनाव के बीच आज पेट्रोल की कीमतों में 15 पैसे प्रति लीटर और डीजल की दरों में 17 पैसे की बढ़ोतरी हो गई है। तेल कंपनियों ने लगातार 5वें दिन यानी सोमवार को भी पेट्रोल और डीजल के दाम में वृद्धि की है। बता दें, अमेरिका और ईरान के बीच ज्यादा तनाव बढ़ने से कच्चे तेल के दाम में रिकॉर्ड तेजी की आशंका जताई जा रही है। कहा जा रहा है कि भारत में पेट्रोल के दाम रिकॉर्ड 90 रुपये प्रति लीटर के आसपास पहुंच सकते हैं। ईरान में जारी तनाव के बीच शेयर मार्केट में कोहराम मच गया है, जिसके चलते आज सेंसेक्स 787 अंकों की गिरावट के साथ 40,676 पर बंद हुआ, तो निफ्टी 233 अंकों की गिरावट के साथ 12,000 के नीचे 11,993 पर बंद हुआ। वहीं दिन में कारोबार के दौरान सेंसेक्स 820 अंकों की गिरावट के साथ भी कारोबार करता हुआ देखा गया। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।